सुबेला स्थित राजा कॉम्प्लेक्स मेन रोड लक्ष्मी मार्केट गदा चौक के पास आरआई इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स शोरूम का शुभारंभ किया गया। सेल्स सर्विस एवं स्पेयर पार्ट्स से परिपूर्ण इस शोरूम में इलेक्ट्रिकल्स व्हीकल की विभिन्न रेंज उपलब्ध है। धनतेरस व दीपावली के मद्देनजर इस शोरूम में मनमोहक ऑफर भी उपलब्ध कराए जाएंगे। शोरूम के संचालकों ने दावा किया है कि ग्राहकों की संतुष्टि पर खरा उतरेंगे। इस त्योहारी सीजन में ग्राहकों की विशेष मांगों पर इलेक्ट्रिकल्स व्हीकल का भव्य शोरूम सुपेला लक्ष्मी मार्केट गदा चौक के पास राजा कॉम्प्लेक्स में ओपन किया गया है। जी हाँ, बता दें, सेल्स सर्विस एवं पार्ट्स से परिपूर्ण इस इलेक्ट्रिकल्स व्हीकल में विशाल रेंज उपलब्ध है। आरआई इलेक्ट्रिकल्स व्हीकल के शुभारंभ पर संचालकों के अलावा शहर भर के गणमान्य लोगों की मौजूदगी दर्ज की गई। विधिवत फीता काटकर शोरूम का शुभारंभ किया गया। शुभारंभ पर शामिल लोगों ने खुले दिल से शोरूम की प्रशंसा कर शुभकामनाएं दी है। बहुत खुशी की बात है, हमारे भिलाई शहर को जिस चीज की जरूरत है, आज इतनी सारी वैरायटी के साथ में ये कंपनी यहाँ पर आई है। और गाड़ी की वैरायटी जो देखने से ही ऐसा लग रहा है कि बहुत मजबूत गाड़ी है, और 3 से 5 साल जो बैटरी की गारंटी दे रहे हैं, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और मैं कंपनी को और यहाँ पे सभी मालिकों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि भिलाई वालों को ये परचेज करने के लिए अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं। यहाँ पर जैसे कि आप सब देख पा रहे हैं कि आज हमें यहाँ पर जैसे कि लाइन का इसकी लोकेशन अपने आप में बहुत अच्छी है, फर्स्ट विजिट है मेरा यहाँ का। और यहाँ पर मैं जो उन्होंने लीडरशिप करी है उनका अपने आप में बहुत अच्छा प्रबंधन है मान रहे हैं। और यहाँ इनसे जुड़े हुए जितने भी लोग आए हैं बहुत ही अच्छी प्रोफाइल की है। और सबसे इम्पोर्टेंटली जो हमें इलेक्ट्रिकल व्हीकल का शोरूम यहाँ ओपन किया है, इसे देखने के लिए इतने ब्यूटीफुल है यहाँ पर, और इतने ब्यूटीफुल कलर्स हैं, सारे मॉडल्स यहाँ अवेलेबल हैं। कंपनी थोड़ा सा मैं कंपनी के बारे में बात करूँगी कि कंपनी लास्ट 3 ईयर्स से बोलते हुए है, हमारे आईकेट के अप्रूवल सिल्वर लाइन के नाम से है, जिसमें कि हम हाई स्पीड बाइक दे रहे हैं और जिसमें कि सब्सिडी भी गवर्नमेंट की तरफ से कस्टमर्स को दी जा रही है। इसमें हमारे पास 10 से लेकर 15 मॉडल्स अवेलेबल हैं, जिसमें लो स्पीड भी है, हाई स्पीड भी है, और बैटरी पे भी हम लोग 3 to 5 ईयर्स का सर्विस और वारंटी पीरियड दे रहे हैं कस्टमर्स के लिए। तो बहुत ही सुंदर मॉडल्स हैं और जितने भी विजिटर्स आए हैं सबने बहुत अच्छे से इनको अप्रिशिएट किया है, चला के देखा है। और भी आगे कंपनी के बहुत बड़े प्लान्स हैं। 2 जनवरी से हम लोग बिल्कुल मेडिकल इंडिया में कन्वर्ट होकर एक अच्छा इंफ्रा डेवलप कर रहे हैं, जिसमें कि सारी चीज़ें जो भी हैं वो सब कुछ यहाँ पर ही डेवलप होंगी, पार्ट से ही बनेंगे। और ये यहाँ के रायपुर के लोगों ने भी हमें अच्छे से सपोर्ट किया और डीलरशिप का ज़्यादा से ज़्यादा शोरूम हमारे खुलेंगे, तो कंपनी प्लान कर रही है कि हम अपना एक असेंबली यूनिट यहीं पर एक बड़े लेवल पर लगाएंगे, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग एम्प्लॉइज यहाँ पर हायर करेंगे, यहाँ के लोगों के लिए टेक्निकल स्टाफ रखेंगे और एक एम्प्लॉय जनरेशन भी कंपनी यहाँ करना चाहेगी, जिसमें हमारे 1000 व्हीकल्स यहीं बन रहे होंगे और यहीं से हम सप्लाई करेंगे। उस इंफ्रा को लगाने में सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि यहाँ पर सर्विस का कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। जैसे कि कंपनियाँ अपना ओपन करती हैं शोरूम, लेकिन प्रोडक्ट वही चलता है जिसकी आफ्टर सेल सर्विस बहुत अच्छी होती है। उस आफ्टर सेल सर्विस पे यदि हम फोकस करेंगे तो हमारा प्रोडक्ट नंबर 1 होगा रायपुर में। और इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंटली इसके साथ साथ चार्जिंग स्टेशन हैं, जिससे कि कंपनी ने अपना ई वोल्टेज ऐप बना लिया है और हमारा बहुत सारे शोरूम में हमने उसको एक्सिक्यूट भी किया है, जिसमें कि वो ऐप बेस्ड है। आपके चाय वाले रेस्टोरेंट, हम हर जगह ऐसे ऐसे चार्जिंग स्टेशन से एक नेटवर्क एस्टेब्लिश कर रहे हैं, जिससे कि कभी भी इलेक्ट्रिकल व्हीकल कहीं भी रुकता है या किसी को रिक्वायरमेंट है तो वो अपना चार्जिंग करें और आगे बढ़े। तो कंपनी का बहुत बड़ा एक विजन है लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से, क्योंकि इलेक्ट्रिकल व्हीकल को गवर्नमेंट भी सपोर्ट कर रही है, तो कंपनी भी अपने बहुत सारे एफर्ट्स, जो भी नए रिसर्च आ रही है, डेवलपमेंट्स आ रही हैं, वो सब हम अप्लाई कर रहे हैं, जिससे कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो नंबर 1 रहे और हम आगे। बहरहाल धनतेरस व दिवाली पर शोरूम में आकर्षण का केंद्र विभिन्न कलर्स व रेंज के इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स होंगे। ग्राहकों की मांगों पर खरा उतरना ही शोरूम संचालकों का उद्देश्य है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए शाहिन खान की रिपोर्ट।